इसके बाद हमने झुकना है, औरत ने, औरत का झुकना उसको कहते हैं रुकू करना, रुकू। औरत का जो झुकना है उसका जो रुकू करना है और जो मर्द का जो रुकू करना है, दोनों में बहुत फर्क है जी। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर आकर ये चीज सीख रहे हैं, बहुत फर्क है। मर्द का जो झुकना होता है उसमें उसने अपनी जो पीठ होती है ना, पीठ, उसको बिल्कुल सीधा रखना होता है, सर को भी थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, अपने स्ट्रेट रखना होता है, और उसने अपने दोनों हाथों से मर्द को अपने दोनों घुटनों को टाइट पकड़ना होता है जी। लेकिन ये काम औरत ने नहीं करना होता। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाने का वक्त आ गया, तो वो देखें क्या है। पहले मैं जरा इसको जी, अल्लाह अकबर कहते हुए, नाउ बो डाउन फॉर रुकू सेइंग अल्लाह अकबर, तो आपको पता था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, बो स्लाइटली इन रुकू, स्लाइटली, ज्यादा झुकना नहीं है औरत का काम जी, नहीं, स्लाइटली। कितना झुकेगी, इतना झुकेगी कि उसके जो फिंगर्स है ना हाथों की, वो टच कर लें उसके नीज को। ना शी हैज, शी सपोज टू ओनली टच हर नीज, नॉट होल्ड द नीज लाइक मैन। ना बो स्लाइटली इन रुकू, दैट इज टू द एक्सटेंड ऑफ प्लेसिंग हैंड्स ऑन द नीज, दैट्स इट, इनफ। ज्यादा नहीं, मर्द की तरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखें कितना फर्क है। नेदर अप्लाई वेट टू द नीज, उस पर कोई वजन नहीं डालना आपने अपने घुटनों पे, इस नो, ये इजाजत ही नहीं है, इसकी परमिशन ही नहीं है। ना नेदर अप्लाई वेट टू द नीज, ये नहीं करना आपने। नॉर होल्ड देम, पकड़ना भी नहीं है अपने घुटनों को मर्दों की तरह। अब वो जब आप अपने हाथ उस पर टच कर देंगे अपने घुटने पे, तो उसमें फिंगर्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए, वो लिखा हुआ, फिंगर शुड बी क्लोज टुगेदर। जो आपको कहा था ना कि जब आपने अपनी दोनों हाथों को बुलंद करना होता है तकबीर तहरीमा के लिए, नमाज स्टार्ट करते वक्त अल्लाह अकबर कहते वक्त शोल्डर तक जब आपने अपने हाथों को उठाया ना, तो आपको कहा था थोड़ी सी उसको खोल के रखिएगा। वो काम अब यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ लिखा है कि फिंगर शुड बी क्लोज टुगेदर, जो उंगलियां हैं वो आपस में मिली हुई हों, है जी, एंड लेग्स शुड बी स्लाइटली बेंड, स्लाइटली बेंड मतलब बहुत कम, यानी स्लाइटली, ज्यादा कर्व नहीं आना चाहिए। दैट इज ऑल्सो मतलब भी लिखा, आगे लिखा है ना, दैट इज नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइक मैन। देखें उसमें आदमी को ये होता है कि वो अपने जो नीज होते हैं, उसके जो घुटने होते हैं, वो उसको वो हरगिज हरगिज बेंड नहीं करेगा, नेवर, सीधा रखेगा उसको। इस तरह से आदमी का जिस्म बहुत ज्यादा ओपन होके और बिल्कुल कड़क होके जो है ना वो खुल रहा है, और उसका बिल्कुल अपोजिट करना है औरत ने, अपने आप को अपने पर्दे का, अपनी शर्मो हया का लिहाज रखते हुए नमाज पढ़नी है। और वो शर्मो हया खुद पेश कर दी इस्लाम ने यहाँ पे आपको, और वो कहा है कि यहीं से ले ले, फिंगर शुड बी क्लोज टुगेदर एंड उंगलियां मिली हुई हों, और जो टांगे हों वो थोड़ी सी बेंट होंगी ना, जब घुटने थोड़े से अगर बेंट हुए होंगे ना औरत के, तो उसमें ज्यादा कवर्ड है वो, उसमें ज्यादा शर्मो हया है जी, नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइक मैन जी। अब ये जब आप आ चुके हैं, तो इस पोजिशन में झुक जाने के बाद, इस पोजिशन में झुक जाने के बाद तीन दफा एक अरबी टेक्स्ट पढ़ना है जी, उसको रुकू की तस्बीह कहते हैं, तस्बीह। और वो है क्या वर्ड, रिसाइट सुबहान रब्बी अल अज़ीम। अब अगर ये किसी को नहीं पढ़ना आता ना, तो ये फिर वो उसको सीख लेना चाहिए, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, इसी तरह सुबहान रब्बी अल अज़ीम एटलीस्ट 3 टाइम्स इन रुकू, ये कम से कम 3 मरतबा। अच्छा एटलीस्ट का मतलब है क्या, एटलीस्ट का मतलब है कि अच्छा अगर किसी को नमाज में अल्लाह ताला से बात करने में अच्छा लग रहा है और उसको अच्छा फील आ रहा है, और वो अपने दुनिया के गम और ज़िंदगी के जो है वो दुख जो है वो भूल गया, वो अल्लाह ताला के आगे झुक गया, तो वो 3 मरतबा से ज़्यादा भी पढ़े, या तो एटलीस्ट लिखा है ना 5 मरतबा पढ़ लें, 5 टाइम्स पढ़ लें, 7 टाइम्स पढ़ लें, 9 टाइम्स पढ़ लें अगर टाइम है तो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उठेगा वो, ये हो गया बस, रुकू हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा रुकू,